तो आज के वीडियो में हम ड्राइनेस के लिए एक बहुत ही अच्छी क्रीम बनाएंगे। इसे हम घर पर ही बनाएंगे और इसमें हम जिन चीज़ों का यूज़ करेंगे वो पूरी तरह से नेचुरल है। ये क्रीम रूखेपन यानी ड्राइनेस को तो ठीक करेगी ही, उसके कारण किसी किसी को बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है, उसको भी ये सही करेगी। और कई लोगों को तो ऐसा होता है कि उनकी स्किन में इस टाइप के चकत्ते पड़ जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो इन सबको भी ये ठीक करेगा। इससे आपकी स्किन में सॉफ्टनेस के साथ साथ ग्लो भी आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल, उसमें हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के तो वैसे अनेकों फ़ायदे हैं, ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, रूखेपन से बचाता है। तो इस क्रीम को बनाने के लिए हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। तो मैंने यहाँ पर 4 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया है, ये अभी सॉलिड फॉर्म में है, मतलब जमा हुआ है, तो इससे क्रीम को एक अच्छा सा टेक्सचर मिलेगा। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है पेट्रोलियम जेली। ये भी हमारी स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करता है और एक बहुत अच्छी सी सॉफ्टनेस लेके आता है हमारी स्किन में। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच के करीब पेट्रोलियम जेली ऐड करूँगी। इसके बाद अगला इंग्रेडिएंट जो है वो है एलोवेरा जेल। ये स्किन में होने वाली किसी भी तरह की परेशानी को दूर करता है। तो मैंने यहाँ पर घर का बना हुआ नेचुरल एलोवेरा जेल का यूज़ किया है। आप चाहें तो बाज़ार से भी खरीद के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल की को भी 4 चम्मच लिया है। जितना मैंने कोकोनट ऑयल लिया है उतना ही मैंने एलोवेरा जेल लिया है। इसके बाद है अगला इंग्रेडिएंट ग्लिसरीन। तो ये हमारी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करता है ताकि हमारी स्किन ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चराइज बनी रहे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ग्लिसरीन का यूज़ किया है। इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को एक मिक्सर में डालकर मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिल जाएँ। होम रेमेडीज़ बनाते वक्त आप जिन भी बर्तनों का यूज़ करते हैं उसे अच्छी तरह से गर्म पानी से 1 से 2 बार धो लें ताकि उसमें जो मिर्च या मसाला आपने पहले पीसा होगा वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर हमारा मॉइस्चराइज़र बनके तैयार है, क्रीम बनके तैयार हो गई है। कितना क्रीमी इसका टेक्सचर है। अब एक साफ़ सुथरी बॉटल लेकर इसे उसमें भर लेंगे। ये 10 से 12 दिन तक ख़राब नहीं होगी, फ्रिज के बाहर भी आप इसको रख सकते हैं। आप इसको अपने फेस पर या पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।